हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इसके अंदर हम आपको बताएंगे इंस्ट्रूमेंटल इमेज और उसके यूजेस क्या होते हैं, उसकी डायग्राम दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिए जिससे कि आपको पूरा समझ में आए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और पास में जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस ज़रूर कर लें जिससे कि हम जो भी नया वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। डेवियर रिट्रैक्टर मैनुअल। इट इज़ यूज टू रिट्रैक्ट डीप एब्डोमिनल और चेस्ट इंसिजन, अवेलेबल इन वेरियस विड्थ। इसकी जो गहराई होती है इसके अनुसार ये और भी अवेलेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू वेड्थ के अनुसार। रिचार्डसन रिट्रैक्टर। इट इज़ यूज टू रिट्रैक्ट डीप एब्डोमिनल और चेस्ट इंसिजन। थंब फोरसेप आर यूज टू ग्रैप टंग टिश्यू फेशिया ब्रेस्ट। फोरसेप में आइदर हैव मैनी टीथ और ए सिंगल टूथ। इसमें जो ये टीथ है इन टीथ के बारे में बात कर रहे हैं। सिंगल टूथ फोरसेप आर आल्सो कॉल्ड रेड टूथ फोरसेप, सिंगल टूथ फोरसेप, मैनी टीथ फोरसेप, टॉप ऑफ बॉटम। फॉरेस्टर स्पंज स्टिक। इट इज यूज टू ग्रैप्स स्पंज, अदर नेम स्पंज फोरसेप। फोरसेप के अंदर यहाँ से दोनों को क्लोज करने के लिए, क्लैम्प करने के, जो एक बार क्लैम्प कर दिया उसके बाद छोड़ दो टिश्यू को पकड़ के और क्लैम्प कर दो, इसको भीचने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। इट इज़ यूज टू रिट्रैक्ट शैलो और सुपरफिशियल इंसिजन, अदर नेम यूएसए यूएस आर्मी। गोलेट। इट इज़ यूज टू रिट्रैक्ट शैलो और सुपरफिशियल इंसिजन। मेलेबल और रिबन रिट्रैक्टर। इट इज़ यूज टू रिट्रैक्ट डीप वुंडेड, मे बी बेंड टू वेरियस शेप्स। इसमें साइज होती है अकॉर्डिंग टू साइज के अनुसार अपन यूज करते हैं, जैसे गुंड की साइज होती है उसी अकॉर्डिंग इसकी जो ब्लेड है इसकी साइज यूज लेते हैं। वेट लैनर रिट्रैक्टर। इट इज़ यूज टू रिट्रैक्ट शैलो इंसिजन। गैल्पी रिट्रैक्टर। इट इज़ यूज टू रिट्रैक्ट शैलो इंसिजन। बालफोर विद ब्लेडर ब्लेड, इसका अदर नेम है सेल्फ रिटेनिंग। इट इज़ यूज टू रिट्रैक्ट वुंड एट ड्यूरिंग डीप एब्डोमिनल प्रोसीजर। डीप एब्डोमिनल प्रोसीजर होता है उसके अंदर इसको लगा देते हैं जिससे कि जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको रिट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अदर जो स्टाफ है वो एक जो रिट्रैक्ट करके पकड़ के रखता है उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसको रिट्रैक्ट करके फिक्स करके और इसको छोड़ देते हैं। एलिस। इट इज़ यूज टू ग्रैप टिश्यू, ए जज्ड एलिस होल्ड्स इंटेस्टाइनल टिश्यू, ए हैवी एलिस होल्ड ब्रेस्ट टिश्यू। बैबकॉक। इट इज़ यूज टू ग्रैप डेलिकेट टिश्यू, इंटेस्टाइन, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी। कोचर। इट इज़ यूज टू ग्रैप्स हैवी टिश्यू, मे आल्सो बी यूज एज ए क्लैम्प, द जो मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड, अदर नेम ओस्नेस। डिसेक्टर। इट इज़ यूज टू होल्ड ए पीनट। बैक हॉर्स टॉवल क्लिप। इट इज़ यूज टू होल्ड
towels and wraps in place. Other name is towel clip. Picks up thumb forceps and tissue forceps are available in various lengths with or without teeth and smooth or serrated jaw. Russian tissue forceps are used to grasp tissue. Hudson pickups are either smooth, used to grasp delicate tissue, or with teeth, used to grasp the skin. Other name, dura forceps. Debaki forceps are used to grasp delicate tissue, particularly in cardiovascular surgery. Thumb forceps are used to grasp tough tissue, fascia, breast. Forceps may either have many teeth or a single tooth. Single tooth forceps are also called red tooth forceps and single tooth forceps. Many teeth forceps, top or bottom. Myohagger needle holder are used to hold needle when suturing. Hemostat is used to clamp blood vessels or tag sutures. Its jaw may be straight or curved. Other names, cryl, snap or stat. Mosquito. It is used to clamp small blood vessel. Its jaw may be straight or curved. Kelly. Is used to clamp larger vessels and tissue. Other name, Rochester pin. Burleser is used to clamp deep blood vessels. Burlesers have two closed finger ring. Burlesers with an open finger ring are called tonsil hemostats. Other name, skinned tonsil forceps, Addison's forceps. Right angle is used to clamp hard to reach vessels and to place sutures behind or around a vessel. A right angle with a suture attached is called a tie-on-a pacer, other name mixture. Hemoclip. Applier with hemoclips applies metal clip on to blood vessels and ducts which will in occluded. Cutting or dissecting instruments are sharp and are used to cut body tissue or surgical supplies. Seven handle with 15 blade deep knife used to cut deep delicate tissue. इसमें यहाँ ब्लेड यूज कर लेते हैं. ये ब्लेड हैंडल है, इसके अंदर ब्लेड लगा के और कहीं भी डीप जो कटिंग करनी है उसके अंदर यूज करते हैं. और ब्लेड कई प्रकार की होती हैं. थ्री हैंडल विथ 15 ब्लेड इनसाइड नाइफ यूज टू कट सुपरफिशियल टिश्यू. फोर हैंडल विथ 20 ब्लेड यूज टू कट स्किन. ब्लेड्स फॉर कटिंग इंसीजन एंड एक्सीजन. इसमें ब्लेड है जो 9 नंबर से स्टार्टिंग होती है और लास्ट है 36 नंबर पे ब्लेड. और मेनली जो ज़्यादा यूज होती है इमरजेंसी में, आपने देखा होगा 23 नंबर की ब्लेड यूज करते हैं. ये वेरियस टाइप की ब्लेड्स हैं. स्ट्रेट मायोसीजर यूज टू कट सूचर
एंड सप्लाईज आल्सो नोन एज सुचर सीजर. कारूड मायो सीजर यूज टू कट हैवी टिश्यू फेशिया मसल्स यूट्रस ब्रेस्ट. कारूड मायो सीजर मिडजेन बन सीजर यूज टू कट डेलिकेट टिश्यू. कैप टंग फोरसेप यूज फॉर पिकिंग अप वायल्स. थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो. फ्रेंड्स मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए. तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से क्या पसंद आया और आगे के लिए जो कमेंट करके बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं. थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय.